हेलो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में आपको काफी चीजें बता दी है जी। आज हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन व्यूहों के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखे जाने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। हम कुछ धातुएं लिखने जा रहे हैं और उनके हम अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, अपचयन क्रम के बढ़ते हुए क्रम में। धातुएं हैं, इन धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस श्रेणी की सहायता से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उनके आपसीकरण अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, विद्युत वाहक बल इत्यादि की गणना कर सकते हैं। इस श्रेणी को हम आसानी से याद कर सकते हैं कहना मांगे अलमंजन। लीक बशर कहना मांगे अलमंजन। क्रैफी कैड को नी सन पब है तू हग अग पर आयु। ये जी और इसमें लिख देते हैं। इस श्रेणी की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी भी कर सकते हैं और कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर सकती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पता हो गई होगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धातुओं को उनके मानक अपचयन या ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब हम बात करते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Thank you.
अब जैसे कॉपर सल्फेट के मिलन में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की क्षण या आप ई भी कर सकते हैं लोहे की क्षण या ई को डालने पर छल पर तांबा जम जाता है क्यों कारण सहित बताइए। अब इस क्वेश्चन में हम पहले ये देखेंगे हम कौन कौन सी धातुओं की बात कर रहे हैं। धातुएं हमारे पास कौन कौन सी है? कॉपर और लोहा। कॉपर को किससे लिखते हैं? Cu से। तो ये आ गया हमारा Cu। और लोहे की बात हो रही है, लोहा Fe। अब हम वैसे रासायनिक श्रेणी में देखेंगे कौन सी धातु हमारे ऊपर है और कौन सी धातु नीचे है। हमारी धातु आयरन जो है, आयरन लोहा ऊपर है। ये देखिए पहले हमारा आता है लोहा, इसके बाद में आता है कॉपर। तो लोहे का जो अपचयन विभव होगा कैसा होगा? अधिक होगा। और कॉपर का अपचयन विभव क्या होगा? कम होगा। तो ये लोहा जो हमारा होगा अधिक क्रियाशील वाली धातु है और कॉपर कम क्रियाशील वाली धातु है। लोहा अधिक क्रियाशील वाली धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित कर देगा तो हमारा क्या होगा? ईल पर जो होगा तांबा जम जाएगा। तांबा क्या होगा? जम जाता है। या एक बार तांबा जम जाने की बात हो जाएगी या आप क्वेश्चन ये भी कर सकता है क्षण डालने पर तांबा विस्थापित हो जाता है क्यों? कारण नहीं बताइए। तो वही क्वेश्चन हमारा है और सेम पोजीशन है। तो जब हम कॉपर के कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की क्षण डालेंगे तो लोहे की क्षण अधिक क्रियाशील वाली धातु होगी और कॉपर की क्षण जो होगी कॉपर का सल्फेट का विलयन जो होगा कम क्रियाशील वाला धातु होगा। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान जो है ऊपर है और कॉपर का स्थान कैसा है? नीचे है। तो लोहा हमारा अधिक क्रियाशील वाली धातु होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से और भी ढेर सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। जैसे सोडियम साधारण ताप पर जल से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम उच्च ताप या गर्म जल से क्रिया करता है क्यों? कारण सहित
समझाइए। यहां पर भी वही कंडीशन है, सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, और कौन सी धातु के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा Mg। अब वैद्य रासायनिक श्रेणी देखते हैं, वैद्य रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान जो है मैग्नीशियम से ऊपर है, और जबकि मैग्नीशियम का स्थान नीचे है सोडियम से। तो सोडियम जो है, सोडियम अधिक क्रियाशील वाली धातु होगी और मैग्नीशियम कम क्रियाशील वाली धातु होगी, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा और इसका मानक अपचयन विभव कम होगा। इसी कारण, क्योंकि वैद्य रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान मैग्नीशियम से ऊपर स्थित है, अतः सोडियम जो है मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील वाली धातु होने के कारण सोडियम साधारण ताप पर जल से क्रिया कर जाता है, जबकि मैग्नीशियम उच्च ताप या गर्म जल से क्रिया करता है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान मैग्नीशियम से ऊपर स्थित है, अतः सोडियम अधिक क्रियाशील वाली धातु होने के कारण साधारण ताप पर ही जल से क्रिया कर जाता है, जबकि मैग्नीशियम कम क्रियाशील वाली धातु होने के कारण उच्च ताप या गर्म जल से क्रिया करता है। बाकी इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे बताएंगे।